छत्तीसगढ़ के धमतरी में इन दिनों गजराज की दस्तक से दहशत का माहौल है। करीब 55 हाथियों का दल जिले के अलग अलग इलाके में उत्पात मचा रहा है। वहीं वन विभाग लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। गर्मी का पारा चढ़ते ही जहां एक ओर इंसान परेशान है, वहीं दूसरी ओर जंगली जानवर भी इससे अछूते नहीं है। दरअसल करीब 55 हाथियों का दल इन दिनों छत्तीसगढ़ के धमतरी में जंगली इलाकों में विचरण कर रहे हैं। इस बीच जहां भी उन्हें नदी, नाले और डबरी दिख रहे हैं, ये उसमें घुसकर नहाने लगते हैं, जिससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। इनका जंगल से चलने वाला रोजगार प्रभावित हो रहा है। हाथी आते रात में और सब जंदरा जगा रहे थे, सब लखा दी। हमन जंगल गांव में रह के हमन तेंदू पत्ता तोड़ थन, चार बीन था, हरा भेड़ा बीन के हमन जीवन यापन कर थन। और अभी हाथी आके तो रात भर दिन भर खाते और रात में आके फिर खाते। पिछले कुछ महीनों से जिले में हाथियों का दल अलग अलग इलाकों में घूम रहा है। अलग अलग दलों में लगभग 25 से ज्यादा हाथी हैं। इसमें से एक दल सीता नदी उन्दती टाइगर रिजर्व के 18 नाला के आसपास घूम रहा है। इस दल ने किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इसके पहले भी कई किसानों को हाथियों ने शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक पहले दल में 5 से 8 बच्चे भी हैं। ये दल लगातार इस इलाके में घूम रहा है, जिससे स्थानीय दहशत में है। तेंदू पत्ता टोड़े बा हमन जावत रहे, एक दो दिन हमन गए रहे तेंदू पत्ता टोड़े बा, तो वन विभाग से बुनियादी आई कि जंगल जाना मना है, जंगल में हाथी के झुंड आ है, तो हमन तेंदू पत्ता भी जाए बा मना करा दे रहे, मना करे हैं नहीं जान तेंदू पत्ता टोड़े बा। तो अब हाथी ला जंगल में कहत कहते तो हमार गांव के तीर में घला आ गए, तो हमन कैसे करम। गजराज की बढ़ती गतिविधियों से वन विभाग अलर्ट पर है। वन विभाग की टीम ने परोली, कट्टी गांव, सिंघनपुर, मरियामारी समेत आसपास के 10 गांवों को सतर्क किया है। लोगों से वन विभाग की टीम ने हाथियों के पास ना जाने की अपील की है। हाथियों का दूसरा दल मगरलोड ब्लॉक की तरफ घूम रहा है। शुक्रवार सुबह इनका लोकेशन उत्तर सिंगापुर के पास मिला था। इस दल के विचरण करने के चलते गिरौली डीही, सराई रुख, खंडमा, मूल गांव, मड़वा पथरा समेत आसपास के गांव के लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही इलाकों में मुनादी भी कराई जा रही है। सभी जितना हो सके उतना आगे बताएं सभी को कि हाथी वाले क्षेत्र में जंगल में जो है अकेले ना जाएं और ग्रुप में भी ना जाएं और सुबह और शाम को तो बिल्कुल भी ना निकलें। अगर कुछ भी चाहते हैं वो कि जलाऊ लकड़ी या कुछ, तो वो हम उसके लिए सहयोग करेंगे ट्रैकरों द्वारा, और क्योंकि अभी फॉरेस्ट गार्ड लोग भी हड़ताल पे हैं, तो बाकी फायर वॉचर्स और ट्रैकरों द्वारा जो है मदद की जाएगी जो भी हर संभव है। लेकिन तब तक बस यही निवेदन है कि अभी जंगल में जो है ना जाएं कुछ दिनों तक। माना जा रहा है कि प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ साथ आगजनी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। जंगल के कई डबरियों में पानी खत्म हो गया है, जिससे हाथी रहवासी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, जिससे गर्मी के सीजन में चलने वाले कामकाज पर इसका असर पड़ रहा है। गर्मी के इन 4 महीनों में ही इन इलाकों में रहने वाले लोगों की कमाई होती है, जिससे बारिश के मौसम में उनका जीवन यापन हो सके। लेकिन गजराज की दस्तक ने जंगल वासियों की मुसीबत बढ़ा दी है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज़ 8।